भंडारा येथील नगरपंचायत निवडणुकीदरम्यान नाना पटोलेंचा सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या मी मोदीला शिवायही देऊ शकतो आणि मारूही शकतो या विधानाने संतप्त होऊन भारतीय जनता पक्षाने नाना पटोलेंच्या विरोधात जवळपास महाराष्ट्रात 100 गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून जागोजागी आंदोलने केली. याचे स्पष्टीकरण म्हणून ॲडव्होकेट सतीश ओके यांनी ज्या मोदी विरोधात नाना पटोले म्हटले होते त्या मोदीला मीडियासमोर आणले. याचे नाव उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरडे असून याचा पुरावा म्हणून 11/3/2020 उमेश उर्फ मोदी याने भंडारा जिल्ह्यातील पालांदूर पोलीस स्टेशनला तक्रार दिल्याचे कागदे पत्रकारांना दिले. इतकंच नाही तर लोकमत पेपरला 16/3/2020 हॅलो भंडारामध्ये उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरडे चा उल्लेखही बातमी झालेली ही पुरावा म्हणून दिले. आज हमने जो गए हफ्ते में जो बवाल मचा गया था महाराष्ट्र संपूर्ण महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनका नाम बेमतलब उछाला गया था और ये कहा गया था कि नाना भाऊ ने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनके बारे में कुछ अपशब्द कहे. अब नाना भाऊ ने उसके बारे में तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि हम उन्होंने ये जो कहा ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जिनके बारे में ना करते हुए उनके गाँव का एक गली का गुंडा है उसके बारे में कहा. लेकिन इस बात की तरफ में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग सुनने के मूड में ही नहीं थे और किसी टीवी चैनल ने इस बात को जबरदस्ती तूल देने की कोशिश की कि ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके संदर्भ में कहा गया. ये जो व्यक्ति है जिनको हमने आज आपके सामने पेश किया था इनका नाम मोदी है. इनका ओरिजिनल नाम उमेश प्रेमदास घरडे है जिनको पूरा गाँव मोदी ये नाम से पहचानता है. अब उसके उसके व्यक्तिगत रीज़न जो है क्यों उसको मोदी नाम से पहचानता है वो बात कैमरे पर करने लायक नहीं है. तो इस व्यक्ति को हमने हाजिर किया. ये व्यक्ति हमारे तरफ में 4 दिन से आ रहा था. उसका कहना था कि ये जब से हरकत हुई है तब से वो पुलिस स्टेशन गया जहाँ हो गया वहाँ लोग उसके पीछे आते हैं पत्रकार उसके पीछे आते हैं कुछ अनजाने लोग उसके पीछे आते हैं जिसके कारण उसको उसके जान का डर बना हुआ है. अब ये बात को जो है हम गए हफ्ते में रखने की कोशिश की थी हमने लेकिन विरोध का विलाप इतना ज़्यादा था कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना ज़्यादा विलाप कर दिया था इस विषय पे नाना भाऊ के मुंह में ज़बरदस्ती ये डालने की कोशिश की गई थी कि ये बात उन्होंने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनको कही और वो सुनने के ही इस पक्ष में नहीं थे. अभी थोड़ा सा माहौल शांत हो गया इसलिए ये इस मोदी को जिसके संदर्भ में नाना भाऊ पटोले इन्होंने कहा उसको हमने आपके समक्ष आज पेश किया और ये इसको मोदी कहा जाता है. इसके सरकारी दस्तावेज भी हमने आपके सामने प्रोड्यूस किए. भंडारा जिले के पालंदूर पुलिस स्टेशन की एक FIR जिसमें ये फिरियादी है जिसमें इसका नाम मोदी करके स्पष्ट लिखा हुआ है. उसके बाद में उसी वक्त में उस घटना की रिपोर्ट जो है लोकमत न्यूज़पेपर ने छापी थी उसमें भी इसका नाम मोदी छापा गया था. तो ये सारे दस्तावेज भी हमने आज पेश किए और ये चीज़ ये गैरसमझ क्यों हुआ इसकी भी बात हमने समझा के बताई क्योंकि मराठी में मोदी ला कहा गया है यानी सिंगुलर भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उसको किसी टीवी चैनल ने मोदी ना कर दिए और ये आदरणीय वर्ड कर देने के कारण लोगों ने उसका रेफरेंस सीधे सीधे तौर पे हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के बारे में जोड़ दिया और उसमें से ये सारा कन्फ्यूजन निर्माण हुआ. ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की प्रेस वार्ता थी और उस जो जिसके संदर्भ में ये नाना भाऊ ने कहा था उस मोदी को हमने आज आपके समक्ष पेश किया. आपकी इसके बारे में ये कहना है कि इसीलिए हमने ये बात का पुख्ता सबूत जो है भंडारा जिले के पालांदूर पुलिस स्टेशन का ये FIR आपके सामने पेश किया जिसके ऊपर में इस आदमी का नाम मोदी स्पष्ट लिखा हुआ है. FIR में 2 जगह लिखा हुआ है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेंट में भी ये उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरडे ये है लिखा हुआ जिसको अंडरलाइन किया गया है. ये FIR का पार्ट है. ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और ये रिपोर्ट है उस बात की कि जिसके ऊपर में उसका नाम के सामने उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरडे ये स्पष्ट लिखा हुआ है और ये उसी घटना की प्रेस न्यूज़ है उस वक्त की लोकमत पेपर की जिसके अंदर में इसी व्यक्ति का आदमी का नाम मोदी लिखा है. और ये पेपर कुछ आज के नहीं है साहब, ये पेपर 2020 के है और इसको लोग काफ़ी सालों से मोदी करके पहचानते हैं. तो ये दस्तावेज बात करते हैं ना कि उस गाँव के लोग, क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर में जो लोगों को दिखा गया है वो सारे के सारे BJP समर्थित लोग हैं. जो नाना भाऊ के विरोध में बात करते हैं तो वो नाना भाऊ के फेवर में बात करेंगे नहीं. उनको किसी ने बोला कि आप ऐसी बोलो तो कैमरे के ऊपर में उन्होंने ऐसी बोल दिए, उसके लिए हम उनको भी दोषी नहीं पकड़ सकते. और पुलिस का जो कहना है तो हम पुलिस का ही दस्तावेज पेश कर रहे हैं. अभी बात ऐसी है कि इस आदमी के जान को खतरा है. ये पुलिस स्टेशन गया बयान देते वक्त ये लोग आ गए वहाँ पर, वहाँ के पत्रकार आ गए, कुछ BJP के लोग आए, उनको डर के भाग गया. इसके घर पर BJP के लोग और कुछ अनजाने लोग बार बार जा रहे हैं जिनको पहचानता नहीं. ये सब बातें उसने बताई इसलिए बेचारा गाँव छोड़ के इधर नागपुर शहर में आ गया और आपके समक्ष हमने पेश किया. तो ये पुख्ता सबूत है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका नाम मोदी है करके.
बात ऐसी है कि भाजप वालों की तरफ से अब वो आने वाले व्यक्ति जो है भाजप के हैं नहीं है, वो बातें दूसरी है। लेकिन इसको जो धमकी आई कि साले हरामखोर, तूने नाना बाबू के पक्ष में बोला तो हम तेरे को तोड़ डालेंगे, तेरे हाथ पर तोड़ डालेंगे, इस तरीके की धमकियाँ उसको आई है, तो ये बातें उसने मुझे बताई है। तो इस कारण उसके जान को खतरा बन गया है, इसलिए वो बेचारा अपना गाँव छोड़ छाड़ के इधर फिर नागपुर वापस आ गया है। माझ्या पत्नीबरोबर झगडा झाल्यानंतर मी गावले गेलो, मी कोंदी गावचा रहिवासी होय आणि त्या गावात मी गेल्यानंतर मी दारून गेल्यानंतर तो आपला उन्मे नावाचा व्यक्ती मला भेटला, तो कार्यकर्ता होता आपला काँग्रेसचा, त्यांनी मला म्हटलं तर तू दारू कशाला एवढी केली, विना म्हटला तर मी दारून केली तर तुझा का बिघडला, पुन्हा ज्याला सेवाकारी केली तर तो मला म्हणायला लागला की तू ना आमच्या पार्टीच्या याला त्याला तसा तसा बोलल्यानंतर मी बोला ठीक आहे, मी बोललो, बोलल्यानंतर मी नाना बोलले बोललो मी आपल्या गावातल्या 5-6 लोकांनी बोललो तर याला होत करा नको असा आहे तसा आहे म्हणून मग दुसऱ्या दिवशी गेलो हेमनेजवळ, मी माफी मागितली, माफी मागल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनलाही गेलो, तिथं रिपोर्ट वगैरे झाली माझ्या घरी, पण तिथून घबरावून सगळ्या मी गावले गेलो, माझ्या घरी बीजेपीवाले येतं धमक्या देतात, तुमचे 10-20 लोक येतात, त्या घबरामुळे मी नागपूरला परत आलो,